चंदा मामा आ रे आवा पा रे आवा नदिया के किनारे आवा बाबू की मुहवा में घुटू कि गुलमिया हम देखे नहीं भाई बै अजदिया हमरा के भावेला। अरे टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आप कहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार ने क्या किया, अरे आपकी इन्वेस्टर समिट हुई, आपने क्या दिखाया 40 देशों के लोगों को गुप्ता जी, आपने यही दिखाया कि अवशिल्प ग्राम है इसको माननीय अखिलेश यादव ने बनाया है, यही कोना का स्टेडियम है जहां खेल मंत्री जी अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच हुआ इसको कौन बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने। और जब शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र के रास्ते आप अपने अतिथियों को ला रहे थे गमला फूलमाला सजा करके, उस मार्ग को किसने बनाया, अखिलेश यादव जी। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब आपके सामने लोक भवन में भाषण दे रही थी तो उस लोक भवन को किसने बनाया, वो माननीय अखिलेश यादव। आपने इमाम बाड़ा दिखाया, आपने भूलभुलैया दिखाया, अरे आप कुछ तो अपना बना करके दिखा दिए होते जिससे लगता कि आपकी भी कोई सोच है। अरे चकदरिया में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, मुझसे एक डॉक्टर ने कहा कि 18 ऑपरेशन थिएटर उसमें बने हैं चकगजरिया में। अरे बाबू कल्याण सिंह जी की तस्वीर लगा करके चकगजरिया का आप उद्घाटन कर दिए, अरे आप समीक्षा कर लेते स्वास्थ्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज चकगजरिया में क्या डॉक्टर की पोस्टिंग हो पाई, क्या कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज हो पा रहा है, क्या उनको समय से इलाज मिल पा रहा है। आज जहां हमें चर्चा करनी थी इलाज पर, आज आप बताते हैं नीलकंठ तिवारी कि जैसे भोलेनाथ की नगरी को उन्होंने बनाया है। अरे बाबा भोलेनाथ जब सावन के महीने में शिव और पार्वती काशी में विराजमान रहते हैं तो सावन के समय में जो उनको पहला जलाभिषेक होता है वो यादव बंधु ही करता है। आज आप ऐसे बोलते हैं, आप इतना गुमराह करते हैं सदन को। यहां पर चर्चा होनी चाहिए थी जो मोदी जी ने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाएंगे जिससे देश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान दुनिया के सामने खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास करा सके। आप कितने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाए। अरे टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी की कविता की पंक्तियों के साथ आप उनको 9वें तल पे ले जाके लोहिया संस्थान में खड़ा कर दिया यूनिवर्सिटी को। आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आप यूनिवर्सिटी बनाने में आपको इतना वक्त लग गया तो आप क्या उत्तर दें। कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, अरे दीवारें खड़ा कर देने से खेल मंत्री जी जौनपुर के मेडिकल कॉलेज को आप चालू करा पाए, क्या वहाँ कैंसर के डॉक्टर हैं, क्या वहाँ हार्ट का ऑपरेशन हो पा रहा है, क्या वहाँ पे कौन सा इलाज हो पा रहा है, अरे कहाँ इतना असत्य प्रलाप कर रहे हैं, अरे इतना बड़ा झूठ फरेब बोल करके इतना इन्वेस्टर आ गए, पूरा लग रहा था कि लखनऊ के गलियों गलियों में करोड़ों करोड़ों रुपया बिछा दिया गया है। अरे 18 की इन्वेस्टर समिट हमने देखा, उसके बाद की इन्वेस्टर समिट देखा। मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहना चाहता हूं अपने वरिष्ठ लोगों के सामने, आपकी इन्वेस्टर समिट के परिणाम क्या है, क्या ये भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा उद्योग लगाने का काम किया। गुप्ता जी माननीय अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं वेदांता जाके देखो, एससीएल जाके देखो, एससीएल जाके देखो, अखिलेश जी के समसंग जाके देखो, नोएडा के अंदर जाके देखो, आप एक भी अस्पताल नहीं बना पाए, एक भी अस्पताल लखनऊ में नहीं बना पाए। जयप्रकाश नारायण ने कहा था आजादी के गीत गाए था कि गुलमिया हम देखे नहीं भई बै अजदिया हमरा के भावेला। उस जेपी जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया माननीय अखिलेश यादव ने, आज वो कैसा है। हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हो, एशिया का सबसे बड़ा पार्क पंडित जनेश्वर मिश्र के नाम पर माननीय अखिलेश यादव का, वही तो आप अपने इन्वेस्टर्स को दिखा रहे थे, आप उसी को इन्वेस्टर को दिखा रहे थे, देखो जनेश्वर मिश्र पार्क आबादी के बीच इतना खूबसूरत पार्क, आप देखो आप क्या अपना बना के क्या दिखा रहे थे। इसलिए मानवर अधिष्ठाता महोदय इनकी इन्वेस्टर समिट उसी तरह के है कि जैसे गांव की गरीब महिला खेती में काम करती थी, जब उसका बेटा दूध के लिए रोता था, माँ के स्तर में दूध नहीं होता था, कुपोषण था, तो कहती थी चंदा मामा आ रे आवा पा रे आवा नदिया के किनारे आवा बाबू की मुहवा में घुटू। ये इस तरह का आप उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ सबका साथ ले रहे आप अपनी नियुक्तियों में भेदभाव कर रहे। और एक तो कह रहे थे नीलकंठ तिवारी चाचा मामा दादा, अरे लोक सेवा आयोग की आपने सीबीआई जांच कराया, आज 6 साल बीत गए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसको आपने यादव आयोग लिख दिया था, आपने तबेला आयोग लिख दिया था,
उस लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच हुई। मैं आज अधिष्ठा था महोदय जानना चाहता हूं कि उस सीबीआई जांच में आप सीबीआई किस निष्कर्ष पर पहुंची, क्या एक भी जो उस समय चयनित लोग थे क्या आप एक भी नियुक्तियों को रद्द कर पाए, क्या आप किसी आयोग के किसी भी खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए। तो अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल छवि खराब करना जानती है। ये किसी नेता के बारे में एक इनका सेल है, आईटी सेल है, वो भोपू की तरह चिल्लाने लगता है। और जब इनसे खड़ा होकर के मैं पूछना चाहता हूं कि लखनऊ की राजधानी सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के अंदर खुद मेडिकल कॉलेज है, केवल रेफर करने का काम करता है। सदर से जाता है मरीज राजकीय मेडिकल कॉलेज छतरपुर, वो कहता है बनारस चले जाइए, लखनऊ चले जाइए। आज यहाँ पर अस्पतालों में लोगों का भर्ती नहीं पा रही। और शिक्षा की बात आप करते हैं, ऑपरेशन काया कल्प कर दिए, शिवाजी को आपने पैदा कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई को आपने कह दिया, चंद्रशेखर आजाद को आपने कह दिया। अरे ऑपरेशन काया कल्प कर देने से गरीब के बच्चे का कल्याण नहीं हो पाएगा। अरे मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी है, नीट की तैयारी करने में कितना वक्त लगता है, आज जेईई मेंस की पढ़ाई में कितना पैसा लगता है। अगर आप दिल खोल करके आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको छाती पर हाथ रख के देखेंगे तो आज गरीब के बेटे के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप शिक्षा पर बात नहीं करना चाहते हो, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते हो। जब आप इन्वेस्टर सबमिट कर रहे थे तो कानपुर देहात में एक ब्राह्मण परिवार की माँ और बेटी धुधुक धुधुक के जल रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? आप कहते हो आपकी कानून व्यवस्था, अरे कानून व्यवस्था के लिए ठोस काम करने का कोई काम किया था तो माननीय अखिलेश यादव ने जो 100 डायल स्थापित किया था, जो पुलिस हेडक्वार्टर बनाया था दुनिया का सबसे बेहतरीन, आप क्या जवाब दोगे उस माँ बेटी को? सभ्य समाज में जहाँ आपके अधिकारी थे, आप जिलाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, SDM के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, तहसीलदार आपने JCB के ड्राइवर को जेल भेज दिया। चाहे पुलिस और प्रशासनिक अफसर हो, एक माँ और बेटी धो धुक करके जल जा रही हो, ऐसी लानत है ऐसी आपकी सरकार पर जो माँ बेटी को बचा। माननीय सदस्य साहब समाप्त करें, मानवर समाप्त। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, और इस सदन में जनता से चुने हुए लोग आते हैं, जनता के सवाल पर आप बहस खड़ा करिए, महंगाई पे बोलिए, बेरोजगारी पे बोलिए, जो अन्याय हुआ है सदियों से। आज तो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी वाइस चांसलर गरीब तबके का नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मात्र 2 हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों की क्या स्थिति है? आज इतना बड़ा विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार है, आयोगों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि आगे मंत्रियों को कुछ पता नहीं है नीचे कितना बड़ा सौदा हो जा रहा है। तब मानवर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ, आपने मानवर एक व्यवस्था दिया है कि अब की जो विधानसभा में बातें उठाई जाएंगी उसको विभाग को भेजा जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने 200 बेड का अस्पताल बनाया जो मुख्य मार्ग पर है, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, खलीलाबाद से। आज मानवर मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ पर ट्रामा सेंटर स्थापित करने का काम करें। मैं ट्रामा सेंटर, अरे बनवा दिया, आके देख लीजिए, आप सरकार हैं रिपोर्ट मंगा लीजिए, आप सरकार हैं रिपोर्ट मंगवा लीजिए। बर्थडे 1200 की OPD होती है और इतना खूबसूरत, मंत्री जी मैं कहूँगा आप भी बनवा लीजिए कहीं पे, आप भी बनवा लीजिए, आपके मंत्री लोग आते हैं तो एक बार उस हॉस्पिटल को। धन्यवाद, आपने काफी बोलिया। कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।